हम लोग वर्टिब्राटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्टिब्राटा की बात करते हैं। आप वर्टिब्रेट्स हैं, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं। तो यहाँ पे अब जाने के बाद रटने वाला काम खत्म हो जाता है। जैसे आप बोलेंगे रटने वाला काम खत्म हो जाता है, इसका क्या मतलब? यहाँ पे आपको ना तो ऐसा सीखना पड़ेगा कि कुछ फ्लेम सेल है या नफ्रीडिया है या मालपीजन ट्यूब्यूल है, सब कुछ पढ़ना नहीं आपको। जो नाम वाम आप सुनेंगे, जो आप पढ़ेंगे, वो ऑलरेडी आप जानते हैं, छोटी क्लासेस में भी आपने ऑलरेडी सुन रखा है। कुछ हम लोगों के फॉर्मेलिटी वाले पॉइंट्स हैं जो मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगी यहाँ पे, आपको पता है ऑलरेडी। फटाफट बोलना स्टार्ट करेंगे। सिमेट्री हम लोग लिखते हैं, काशफ सिमेट्री बोलिए जल्दी। जैसे जैसे बच्चों का नाम बोलूंगी बताएंगे उधर से। काशफ सिमेट्री बोलिए। ये बच्चे क्या जो ज्वाइन होके घूमने चले जाते हैं क्या? बाइलेटरल सिमेट्री क्या है? बाइलेटरल पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सिलोम के रिगार्डिंग क्या लिखूं मैं? सिलोमेट्स हैं। कैसे हैं ये? सिलोमेट्स हैं। ये एनिमल्स कैसे हैं? सिलोमेट्स हैं। एनिमल्स मतलब आप लोग कैसे हैं? सिलोमेट्स हैं। ठीक है, जो इसका कैरेक्टराइजिंग फीचर है, देयर नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू देयर नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इनटू एन एडवांस्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। ये कीवर्ड है, इसके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। इसी में आगे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर नर्वस सिस्टम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके नर्वस सिस्टम को क्या करता है? ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, आगे जब वर्टिब्रेट्स के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ आपको पता है कि इनके पास फाइन अपेंडेजेस लिम्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास हार्ट इज प्रेजेंट इन वेंट्रल पोजिशन। ठीक है, इसकी जो सीरीज है वो मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप कभी ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, हमेशा आप उसको उसी सीरीज में याद करेंगे। उसका फायदा है, मैं अभी बताती हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। हार्ट से याद आया, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका? क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट हार्ट की बात कर ही रहे हैं, एक और अगली बात कर लेते हैं हम लोग। हमेशा मैं बच्चों को बोलती हूँ कि वर्टिब्रेट्स का जो नाम है उसको सीरीज में याद रखेंगे, उसका आपको बहुत बड़ा फायदा है। तो उसका फायदा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। वर्टिब्राटा की बात करते हैं, सीरीज का क्या फायदा है ये देखिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया पहला, और क्लासिफिकेशन है बता रही हूँ उसको, फिशेज। और ये तो बेसिक है जो 9th क्लास में आपने देखा था, पीसेज या पाइसेस भी बोलते हैं कई लोग इसको। सेकेंड वन इज एम्फीबियंस, थर्ड वन इज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स
फोर्थ इज बर्ड्स और एप्स और फिफ्थ वन इज मैमल्स, जिसको आप लोग बिलोंग करते हैं, सबको पता ही है नाम, कुछ नया नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। सबसे अच्छा क्या है, पूछा जाता है कि कितना चैम्बर्ड हार्ट किसके पास प्रेजेंट है। फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स के पास, यहां पे जब हम लोग बात करते हैं तो रेप्टाइल्स को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। कुछ इसमें एक्सेप्शंस आएंगे जिसके पास क्या होता है, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। बर्ड्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है और मैमल्स के पास भी क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। अब ये नहीं कि आपने बर्ड्स में 4 लिखा तो मैमल में 5 लिख दिया, 5 चैम्बर्ड किसी में नहीं होता है, मैक्सिमम 4 चैम्बर्ड ही होता है, उतने ही मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, 2 3 3 4 4, 2 3 3 4 4, 2 3 3 4 4, यानी कि ये सीरीज है। क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, आपको एक फिश का नाम लिख दिया, एक एम्फीबियन का एग्जाम्पल लिख दिया, आपको रेप्टाइल का, बर्ड का, मैमल का, जैसे कुछ अजीबोगरीब नाम आएंगे आगे जाके, उन सब का जब पूछा जाता है तो वहां पे आपको बताना पड़ता है कि कितना चैम्बर्ड हार्ट जो है किसके पास प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ याद करने के लिए, मैंने आपको बोला था इसके पास है 2 चैम्बर्ड हार्ट, इसके पास है 3 चैम्बर्ड हार्ट, इसके पास है 3 चैम्बर्ड हार्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन में क्या है इसके, लिखना जरूरी हो जाता है, EXCEPT, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स, इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। फिर हम लोग एप्स की बात करते हैं, इसके पास भी हो जाएगा 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसके पास भी, आपके पास कितना चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। इसकी पूरी प्रोसेसिंग है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो आपका 18th 18th चैप्टर है उसमें क्या है, आपको पूरी फुल एक्सप्लेनेशन वहां पे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये वर्टिब्राटा का जो हार्ट वाली बात आई थी वहां पे मुझे याद आया तो मैंने आपको ये चीज बता दी यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जब क्या करते हैं कि सब फाइलम वर्टिब्राटा जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में जब हम लोग और मेजर क्लासिफिकेशन देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर लिख भी लेंगे हम लोग मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ ये तो दूसरे लेवल पे है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, जरूरी नहीं है कि एक ही क्राइटेरिया पे सब क्या करे आपको बताना स्टार्ट करे, सबका क्या होता है अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कोई कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड के अकॉर्डिंग कर रखा है, किसी की मर्जी ये चाहिए हमें, दिस वन। ये दिख रहा है सबको,
ये तो आता है आपको, ये भी आप ही की किताब का, ये तो बहुत आसान है, ये तो आता है आपको नोटोकॉर्ड किसमें है किसमें नहीं है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, देखिए बहुत आसान है इसको जब हम शुरू से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरे एनिमल किंगडम को जो हम लोगों ने देखा है, फुल एनिमल किंगडम को, ठीक है, आसानी से, जिस बच्चे को, दो तीन बच्चे नए हैं आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, समझने के बाद लिखना बहुत आसान है उसको। पूरी दुनिया में पूरे बायोस्फीयर पे जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनको टू टाइप्स में बांटा गया है। अब आप बोलेंगे कि टिश्यू लेवल लिखा है तो और सबको अलग अलग करके क्यों नहीं बताया यहाँ पे, मतलब उसके आगे की एडवांसमेंट बता रहा है आपको, ठीक है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक पॉडीफेरा ऐसा फाइलम है जिसमें मैंने आपको सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताया है, और एक ये ऐसा क्राइटेरिया है जो कि ईच एंड एवरी फाइलम में लिखा गया है, इसको किसी ने मिस नहीं किया है। अगला जब हम आगे एडवांसमेंट की तरफ पढ़ते हैं तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते हैं, जिसमें अब एक बात याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स को हम सिलोमेट्स और एसिलोमेट्स में बांटते हैं, फिर स्यूडोसिलोम एक ही ऐसा फाइलम है जो कि कैरी करता है, शो करता है, दैट इज एस्केलमिंथस या निमेथेलमिंथस या नेमाटोडा बोलते हैं उनको, जिसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी। जो ए सिलोमेट्स होते हैं उसकी कैटेगरी यहाँ पे क्या हो गई, मतलब यहाँ पे आप पॉडीफेरा भी लिख सकते हैं, समझिएगा इस बात को, बेचारे के पास सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या उसमें सिलोम है नहीं है करके क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे नो बॉडी कैविटी में आपको सिलेंट्राटा और प्लेटीहेलमिंथस का नाम लिखा है, उसके बाद आपको नेमाटोडा याद आ रहा है। फिर सिलोमेट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें तीन लेयर्स बन जाएंगे, मेसोडर्मल ओरिजिन भी जहां पे बनता है उसमें आपको एनेलिडा, मोलस्क और ऑर्थ्रोपोडा का नाम लिख रहा है, और सिलोम भी फॉर्म होगा, प्लस उसमें क्या है वेल लेबल्ड आपके बीच में जो लेयरिंग होती है सेल्स की वो भी वहां पे पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग ने बांटा है नो नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ये थोड़ा पुराना है क्योंकि अभी का अगर होता तो इसमें हेमिकोर्डाटा भी एक जगह पे लिखा होता है, साधारण सी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नो नोटोकॉर्ड है तो इकाइनोडर्माटा जो आखिरी कैटेगरी आपने शुरू से सीरीज में पढ़ी थी। कॉर्डाटा दो टाइप के होते हैं, एक प्रोटोकॉर्डाटा, जिस प्रोटोकॉर्डाटा के अंदर मैंने आपको अभी भी दो कैटेगरी बताई है, पहला मैंने आपको यूरोकॉर्डाटा बताया है, दूसरा सिफेलोकॉर्डाटा बताया है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है उसमें अगर वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो गया तो उनको हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स जो पांच है उसमें से पहला है फिशेस, दूसरा है एम्फीबियन, तीसरा है रेप्टाइल्स, चौथा है बर्ड्स और पांचवा है मैमल। फिशेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके एक्सोस्केलेटन, मतलब जो इसका ढांचा होता है, अगर हिंदी में मैं बताऊं आपको तो इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कैसा, किस तरीके का, कौन सा स्केल है, उसके बेसिस पे फिशेस को मैं आगे जाके आपको कैटेगराइज करके बताऊंगी। दूसरी बात एम्फीबियंस की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो ये थोड़े एडवांस होते हैं, लार्वल फॉर्म क्या करेगा, गिल्स भी शो करता है, कुछ एडल्ट्स में लंग्स भी होते हैं और स्लिमी स्किन के थ्रू भी ये क्या कर सकता है, अपना रेस्पिरेशन कर सकता है। रेप्टाइल्स की जब बात करते हैं ये बहुत हार्ड स्केल्स के लिए जाने जाते हैं, इनके पास ऐसे एग्स होते हैं, ये ऐसे लेग्स को, मतलब एग्स को ले करते हैं जिनके पास कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, काफी टफ होता है वो। एव्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इनको भी बहुत सारा, मतलब जो बाहर का क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह वो फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके पास भी क्या प्रेजेंट होता है, फेदर्स वगैरह एक्सोस्केलेटन के साथ, और मतलब ये फ्लाई करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पता है आपको। मैमल की जब बात करते हैं तो मैमल्स की बहुत सारी पहचान है यहाँ पे, तो बेसिक तौर पे आपको जैसे आप हैं, मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स दुनिया में पाए जाते हैं वो इससे पहचान में आते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और एक्सटर्नल ईयर का मतलब जैसे हमारे जो कान है ना ये बाहर के साइड निकले हुए, इनको पिन्ना बोलते हैं, ईयर पिन्ना बोलते हैं, ठीक है। ये ईयर पिन्ना शो करते हैं, और मोस्टली, जरूरी नहीं है कि सारे, मोस्टली लिखा है, नॉट एक्सक्लूसिवली, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मोस्टली जो लिख रहा है ये गिविंग बर्थ टू यंग वंस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली बर्थ करते हैं, यहाँ पे एग वेग का कोई झंझट नहीं है। अब जो आपको याद करना है और जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, दिस वन, आप बोलिएगा ये कहाँ से आएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी किताब का प्रिंटेड है, मेरा मोटिव है आपको याद कराना। चलिए याद करते हैं इसको, ठीक है। हम लोग वर्टिब्रेट्स को बिलोंग करते हैं, आप भी वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे हमारे जो दांत ऊपर और नीचे दो हमारे जॉ हैं, जो हमारे दांत जिस पे बैठे हुए उसको जबड़ा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है।
वर्टिब्रेट्स को पहले दो कैटेगरीज में बांटा गया इस बेसिस पे, जिसके पास जॉ प्रेजेंट होगा, जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, जॉ प्रेजेंट होगा, उनको हम लोग नेथोस्टोमेटा बोलेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेथोस्टोमेटा बोलेंगे, और जिसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम लोग ए नेथा बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जी साइलेंट होता है, सेकंड वाले में भी जी साइलेंट है और फर्स्ट वाले में भी जी साइलेंट है, ए नेथा, जी नहीं बोल रहे हम यहाँ पे। कई लोगों को मैंने देखा एग नेथा बोलते हैं, बट यहाँ पे जी साइलेंट होता है, ठीक है। नेथोस्टोमेटा की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, जॉ बियरिंग होते हैं सारी फिशेस को, जैसे साइक्लोस्टोमेटा जब मैं आपको दिखाऊंगी ना, वो फिशेस को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि जॉलेस होते हैं, उनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल सर्कुलर सा माउथ होता है, कोई ढांचा कोई स्ट्रक्चर वैसा स्पेसिफिक होता नहीं है, आसानी से देख के पता चल जाता है, ठीक है। जब नेथोस्टोमेटा को आप देखते हैं तो इसको और दो भाग में पहले हम लोगों ने बांटा है, ऐसे समझिए, नेथोस्टोमेटा को हम लोगों ने और दो भाग में बांटा है, हम एक रफ वर्क करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम नेथो स्टोमाटा को बांटते हैं, ठीक है, इसको हम और टू पार्ट्स में बांट रहे हैं, एक वैसा जिसके पास फिन्स प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, फिन्स प्रेजेंट होगा, जिसके पास क्या है, ये फिन्स है, क्या है, फिन्स है, ठीक है। और एक हम लोग टेट्रापोडा बोल रहे हैं, याद रखिएगा टेट्रापोडा, मेरा मोटिव है आपको याद कराना, वरना पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है, ठीक है। टेट्रा मतलब चार होता है, पोडा मीन्स अपेंडेजेस होता है, पोडा मतलब क्या होता है, अपेंडेजेस होता है, ठीक है। टेट्रा मीन्स फोर एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। अब इसको फिश बेचारी को तो हम बोल नहीं सकते कि इसके पास चार हाथ पैर ऐसा कुछ है इसके पास, नहीं। एम्फीबियंस को जब आप देखते हैं तो आपको पता है कि जो फोर अपेंडेजेस वो कैरी करते हैं उसमें से टू का यूज वो किस चीज के लिए करते हैं, कैच करने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए, और उसका जो लोअर पोर्शन पे यानी कि हिंड लिंब जो होता है उसके ऊपर वो सपोर्ट करके बैठते हैं। मतलब कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपको पता है कि हाँ इन सब के पास जो है ना वो फोर अपेंडेजेस हैं, चाहे जैसे हो जिस तरीके से प्रेजेंट, ठीक है। इसको जब हम लोग देख, एक फिशेस तो हट गई यहाँ पे, इधर कहानी खत्म इसकी, फिशेस के बचा क्या, लिख के देखते हैं, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है। अब आप बोलेंगे मैडम स्नेक के पास कहाँ है, बताती हूँ मैं आगे स्टोरी बताती हूँ आपको। बर्ड्स है, बोलेंगे बर्ड्स के पास कहाँ है, मैमल्स है, जिन मैमल के पास नहीं है उनके पास क्या है, बहुत सारी सब में स्टोरी हिडन है, घबराने की आपको जरूरत नहीं। रेप्टाइल्स में जैसे पाइथन वगैरह है उसमें रिड्यूस्ड फॉर्म में दिखते हैं जो अपेंडेजेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है। बर्ड्स, बर्ड्स में जब आप उसके फेदर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा था आपको नाइन्थ क्लास में, फोर लिम्स आर, फोर मतलब चार नहीं, फोर मतलब आगे वाला, एफ ओ आर ई, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स और फेदर्स, ऐसा लिखा था आपको वहां पे, होता है बट कौन सा रिड्यूस है, कौन सा गायब हुआ है, कौन सा दूसरा काम कर रहा है, किसका दूसरे तरीके से वहां पे क्या हो गया है, मॉडिफिकेशन हो गया, ये बात दूसरी है। तो अब आप इसको फिर से देखिए, तो इसको हमने क्या करा है, नेथोस्टोमाटा को फिर से हमने दो सुपर क्लास में बांटा है। पहला हम यहाँ पे पीसेज या पाइसेज बोलते हैं, जिसको हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं जिनके पास फिन्स प्रेजेंट होता है, और ये दो तरह के फिशेज हैं, दो तरह के फिशेज हैं, बहुत आसान है। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज होता है, कॉन्ड्रो मतलब क्या होता है, कार्टिलेज। नाइन्थ क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, टीचर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देते थे, मेंशन द नेम ऑफ द कार्टिलेज सेल, क्या आंसर लिखते थे आप, कॉन्ड्रोसाइट, क्या लिखते थे, कॉन्ड्रोसाइट लिखते थे आप लोग, क्या लिखते थे, कॉन्ड्रोसाइट लिखते थे, ठीक है। देखिए पीसेस जो है इसको हम फिर से दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक जिसका जो स्केलेटन है उसमें मेजर रोल कार्टिलेज का है, यानी क्या हो गया, कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेज से बना दिया कार्टिलेजिनस फिशेस, और बोनी फिशेस जो है ये हो गया बोनी फिशेस, रटना नहीं है ऐसे समझिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब कार्टिलेज के लिए जो शब्द आता है दैट इज CHONDRO, यही मैं आपको अभी अभी बोल रही हूं,
नाइन्थ क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, मेंशन द नेम ऑफ द कार्टिलेज सेल, तो आप लोग लिखते थे वहां पे कॉन्ड्रोसाइट। जिस बच्चे को नहीं पता लिख लीजिए कॉन्ड्रोसाइट क्या है। कॉन्ड्रोसाइट इज द कार्टिलेज सेल। क्या है ये? कार्टिलेज सेल है ये, ठीक है। अब बोनी फिशेस पे, तो ये कॉन्ड्रिक थाइज इसी से नाम बनेगा। कॉन्ड्रो से क्या नाम बनेगा? कॉन्ड्रिक थाइज नाम बनेगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, बोनी फिशेस की बात करते हैं। बोनी के लिए, बोन के लिए जो वर्ड आता है ना, दैट इज ऑस्टियो, ओ एस टी ई ओ। तो चाहे तो आप ऑस्टियोसाइट बोलिए या ऑस्टियोब्लास्ट बोलिए। ऑस्टियोसाइट क्या है? बोन सेल है। आपकी बॉडी का बोन का एक सेल क्या कहलाता है? ऑस्टियोसाइट कहलाता है। कार्टिलेज का सेल क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोसाइट कहलाता है, ठीक है। तो बोनी फिशेस का नाम इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा? वहां पे ऑस्टियो वर्ड आएगा और इससे हम लोग बनाएंगे ऑस्टिक थाइज। इससे हम लोग क्या बनाएंगे? ऑस्टिक थाइज बनाएंगे। ये देखिए अब समझ आएगा आपको। तो एक हो गया कॉन्ड्रिक थाइज और एक हो गया है ऑस्टिक थाइज। टी एच वाई ई एस दोनों में कॉमन है। कॉन्ड्रो से बन गया कॉन्ड्रिक थाइज और बोन से बन गया यहाँ पे ऑस्टिक थाइज। याद हो रहा है सारे बच्चों को? याद हो गया आप लोगों को? याद होता जरा साथ में, आप मन में अपने इसको क्लासिफाई करके देखिए। वर्टिब्रेट को पहले हम लोगों ने टू पार्ट्स में बांटा है। पहला है आपका ए मतलब नॉट, ए मतलब नॉट नहीं है, ठीक है। पहला यहाँ पे ए ना था, जिसके पास जॉ नहीं है, जॉ एब्सेंट है। वैसी जो कैटेगरी सिर्फ साइक्लोस्टोमाटा की, एक ही कैटेगरी आपको यहाँ पे आपकी किताब में पढ़ना है। यूनिक है, अलग अलग थोड़े फीचर आएंगे उसके, पढ़ेंगे हम लोग। फिशेज ही है ये, बट ये साइक्लोस्टोमाटा की ऐसे फिशेज हैं जो इस कैटेगरी में काउंट करी जाती है, जिनके पास जॉ नाम की कोई चीज नहीं होती। आप देख लीजिए ऐसे फिशेज प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये रहा। साइक्लोस्टोमाटा ये देखिए, जितने साइक्लोस्टोमाटा को आप लोग देखना स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, ये सब पढ़ाऊंगी मैं आपको। ये जो टिथ लाइक यहाँ पे अपीयरेंस दे रहा है ना, बस इस, बट इस बेचारे के पास जॉ कहाँ है? वेयर इज द जॉ? यहाँ पे जॉ नहीं है। कैसा है ये? कैसा दिख रहा है आपको? जॉलेस है ये। यही चीज मैं आपको बार बार बोल रही थी कि हम लोग पढ़ेंगे जरूर, इसके बारे में पढ़ाई जरूर करेंगे हम लोग। सब कुछ वैसा ही प्रेजेंट होता है, बट इनके पास क्या है? इनके पास जॉ नहीं होता है, जॉ प्रेजेंट नहीं होता है इनके पास, ठीक है। और कुछ कैटेगरी हम लोग देखते हैं, और कुछ बताया हो इस तरीके से, जो आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या लिख रहा है बार बार, जॉ नहीं है, जॉ नहीं है। तो एक्चुअली में ये देखिए, इतने सारे दिखा रखे हैं यहाँ पे। ये माउथ है इसका, बट कुछ अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि इसके पास, बेचारे के पास क्या नहीं है? जॉ नहीं है। ये देखिए इनके पास जॉ क्या है? एब्सेंट है, नहीं होता है। यही चीज मैं आपको बोल रही थी। ये देखिए, ये देखिए, जो भी जिस भी फिश को उठा के, अब ये देखिए कैसा दिख रहा है आपको, जॉलेस वर्टिब्रेटा लिख भी रहा है यहाँ पे, कैसा दिख रहा है ये? क्योंकि इसका जो माउथ है, उसके पास जैसे जबड़े होने चाहिए थे, वेल डिफाइंड, जो हम लोगों के पास प्रेजेंट है, वो नहीं होता प्रेजेंट, ठीक है। तो खैर काफी देख लिया आपने, आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये जॉलेस होते हैं, इनके पास जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं। पता नहीं किसकी फोटो लगा रखी है ये, खैर इसका काम नहीं, हम लोगों को आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या करना था आपको? ये याद कराना था, ठीक है। जो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोगों को क्या करना था यहाँ पे? प्रॉपर तरीके से याद करना था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन लिखने के बाद हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखते हैं। आप लोग बताइएगा बारी बारी से, मैं लिख रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मैंने याद करा दिया होगा आपको, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे लिख मैम, एक मिनट बैक कीजिएगा तो। अच्छा ठीक है, वर्टिब्रेटा ये पेज चाहिए क्या? ये वाला? हो गया मैम, ठीक है। चलिए वर्टिब्रेटा की जब हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले
हम लोग उसको, इसका क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, क्राइटेरिया है इसका ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ, ये क्राइटेरिया है। कीवर्ड क्या है यहाँ पे, भाई जॉ है नहीं है, जॉलेस है, तो इसका ये कीवर्ड है, ठीक है। उसके बेसिस पे जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इसको हमने टू पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। फर्स्ट वन इज जी इज साइलेंट हियर, एनाथा है, ठीक है। दूसरा जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये पहला है एनाथा, सेकेंड वन इज नैथोस्टोमाटा, आसान लग रहा है अब, याद हो गया ये हर बच्चे को, ए मतलब नॉट होता है, तो शॉर्ट में कर दीजिए लैक्स जॉ, देखा आपने जॉ नहीं था बेचारे के पास, और इसमें कर देंगे हम लोग बियर्स जॉ, इसके पास जबड़े क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसके पास जॉ नहीं होता है और दूसरे के पास क्या होता है, जॉ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर आएगा क्लास साइक्लोस्टोमाटा, खूब डिटेलिंग करेंगे इसकी है आगे जाके हम लोगों को, ठीक है। अब इधर अलग ड्रामा चल रहा है, कैसे मैम इसमें जो एक्सटेंट पीसेस है नाथम उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना, बताया होता है हम लोगों की एनसीईआरटी बुक में, नहीं है आगे जाके सब कुछ पढ़ना, ऐसा नहीं कि किसी चीज को हटाया गया है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आज मैं हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर करा रही थी 12th क्लास को, ठीक है। मेरे ख्याल से हाफ चैप्टर में कुल मिला के मैंने एक बच्चे को बोला कि तुम काउंट करना कि कितनी बार 11th की हम लोग टर्न कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता कुछ, बोलो कहते हमने पढ़ा ही नहीं 11th में, तो मैंने बोला ठीक है हर बच्चा 11th की बुक लेके रखिएगा, ठीक है। टोटल 3 पेजेस मैंने पढ़ाए, 3 पेज को पढ़ाने में 21 टाइम्स 11th की बुक मुझे निकलवानी पड़ी, ठीक है। अब जैसे इम्फाइजमा लिखा है अभी हमारा जो दूसरे बैच में, मतलब आप ही लोगों का जो ट्यूसडे वेंसडे को जो रेस्पिरेटरी का जो चैप्टर चल रहा है, रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें इम्फाइजमा है। अब एक बच्चा बोल रहा है नहीं मैडम इम्फाइजमा नहीं पढ़ा है हमने 11th में, हमने नहीं पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है। मैंने बोला ठीक है मैं अभी दिखाती हूँ। तो होता है कि अब हेल्थ का ही चैप्टर था, स्केरियसिस है, स्केरियस हो रहा है, मैंने पूछा किस फाइलम को, तब तक जाते जाते उतने लेट तक जाते जाते आप में से जो बच्चा सोचेगा कि डट के करता हूँ पढ़ेगा नहीं, वो चीजें इवेपोरेट हो जाती। चीजें सारी है आपको पढ़ना, आपको सब कुछ है, बट वो जो सीरीज बना हुआ है ना कि कहाँ पे क्या पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग प्लेस किया गया, बात समझ रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में जितना है वो मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ का मतलब पूरा करने के बाद हो नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन किसी बच्चे से नीट का छूटे, ये आपको पता है, हर एक बंदा बताएगा आपको। यूपीएससी का प्रिपरेशन तो एनसीईआरटी से होता है, तो भले ही आपको कोई इतना दे दे सैंपल, आपने कितने असाइनमेंट क्वेश्चंस करे हैं अभी तक, मैंने आपको हजारों करा दिए हैं। जो बच्चे शुरू से कर रहे हैं आपका भी क्वेश्चन काउंट करके बताइएगा मुझे किसी बैच में, मैंने आपको 1000 से पता नहीं कितने 1000 से ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए ईच एंड एवरी डे, जितनी क्लासेस हुई उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रिविजन क्वेश्चन भी तो है, सब कुछ पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। बट वो वहां पे कैटेगराइज किया गया कहाँ पढ़ना है, 11th में इतना ही पढ़ना है। एस्केरियसिस हाँ लिख दिया आपको वहां पे कि एस्केरियस जो है ये एंडोपैरासाइट है, बट उसने वहां पे स्टोरी आगे नहीं बताई क्योंकि वो 12th में पढ़ना है। अगर वहां पे आप मेरे से पूछते, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में समझाया बट मैंने उतनी डिटेल नहीं करी है। अब जिस चीज को जहां पे स्टॉप करा गया है दैट मींस कि वो आगे जाके इलैबोरेट कहाँ पे होगा, ग्रेजुएशन। अब लिमुलस मैंने आपको याद है बताया था मैंने आपको ऑर्थ्रोपोडा में कि ये क्या है, लिविंग फॉसिल है, ठीक है। मैंने आपको डिटेलिंग नहीं करी उसके बारे में, उसके बारे में 2 पीरियड एक्सप्लेनेशन हम लोगों को दिया था हमारे टीचर्स ने ग्रेजुएशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। सारी चीजें हैं पढ़ना तो सब कुछ है, कुछ ऐसा नहीं जो माइनस है या मिस है, बट वो स्टेज वाइज है कि कहाँ पे बच्चे को जाके क्या किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसमें क्या है कि 2 भाग में और बांटा है हमने इसको, बियर्स फिन्स, और यहाँ पे हम लोग करते हैं टेट्रापोडा, यहाँ क्या करते हैं टेट्रापोडा करते हैं, ठीक है। टेट्रापोडा में आसान सा पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये भी इजी है, कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5वां तो इधर चला गया ना,
फिशेस तो ये हो गया, बियर्स फिंस वाले में बचा क्या यहाँ पे? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये क्या करते हैं? टेट्रापोडा का मतलब है टोटल नंबर ऑफ अपेंडेजेस विल बी फोर। इनके पास जो अपेंडेजेस का नंबर है वो कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। और फिंस जो बियर करेंगे यहाँ पे, तो इसके बेसिस पे हम लोग इनको दो भाग में बांटते हैं, पीसेस या फिशेस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे कर देती हूँ, एक में कर देती हूँ बोनी फिशेस और दूसरा में कर देती हूँ कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस नाइन्थ में ऐसे बताया था आपको, कार्टिलेजिनस फिशेस। अब इसको थोड़ा एडवांस अगर करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बोनी से क्या शब्द बताया है मैंने? कॉन्ड्रो, बोनी, ऑस्टियो याद रखेंगे। ऑस्टिक थाइस और यहां पे कॉन्ड्रिक थाइस। आसान हो गया, इजी कर दिया मैंने इसको, याद हो गया हर बच्चे।